फर्स्ट टाइम कि किसी की स्ट्रिप्स इतनी अच्छी फिटिंग में आई है। पॉकेट को कैसे मैं भूल सकती हूँ। आज की वीडियो की हाईलाइट है ये डेनिम ड्रेस। ओके मैंने ट्राई किया था। हेलो गर्ल्स, वेलकम बैक इन टू दिस वीडियो। कैसे आप सब? मैं हूँ सुमेधना और आज मैं आपकी डिमांड पे लेके आ गई हूँ सुपर अफोर्डेबल हॉल समर ड्रेसेस। मैं शेयर करूंगी आज की वीडियो में एंड यहाँ पे प्राइसेस स्टार्ट हो जाएंगे 299 से लेके 500 के बीच में। और काफी ज्यादा क्यूट ड्रेस मैंने पिक करे हैं, जिसमें से एक मैंने वेयर किया हुआ है, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा क्योंकि स्ट्राइप वाले पैटर्न ना हमें बड़ा स्लिम दिखाते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। गाइस, प्राइम डे सेल इज लाइव 15 to 16 जुलाई एंड यहाँ पे बहुत सस्ते हो जाते हैं कपड़े। तो ऑफ कोर्स राखी के लिए बाय करनी है या फिर किसी को देने के लिए बाय करना है, फैमिली फंक्शन होते हैं, किसी को गिफ्ट करना है, तो यहाँ पे बहुत अच्छे डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, तो ये मिस मत करना। ओके, सो लेट्स बिगिन विद ब्यूटीफुल सा कॉटन वाला ड्रेस। सो ये मैंने पिंक कलर का चूज करा है, राउंड नेक आ जाएगा, मीडियम साइज मैंने बाय करा है, शॉर्ट स्लीव आएगी, फैब्रिक बहुत अच्छा है एंड बहुत सटल सा प्रिंट है एंड यहाँ से वो कट आएगा एंड फ्लेयर आएगा एंड नीचे की साइड अगेन फ्लेयर आएगी। दैट कैसे बोलते हैं, प्लिटेड प्लिटेड वाला पैटर्न है जिससे थोड़ा सा फ्लेयरी फ्लेयरी दिखता है एंड पीछे साइड में आपको डोरी मिल जाती है एंड डोरी आगे टाइप कर लो, पीछे टाइप कर लो, आपकी मर्जी है। एंड मुझे ये फ्रॉक वाली फीलिंग आ रही थी, मतलब तो इस तरह के फ्रॉक्स बड़े अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं पहनने के बाद। एंड मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ वेयर किया है, मुझे ये बहुत प्यारा लगा। इस तरह के जो ड्रेसेस पे है ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बड़ी अच्छी लगती है। इसमें 3 कलर्स अवेलेबल है 474 रुपीज। ओके, विदाउट डिस्काउंट मैं बता रही हूँ क्योंकि मैंने बाय किए आई थिंक ऑलमोस्ट 1 वीक से ज्यादा ही हो गया होगा। एंड ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे साइकिलिंग शॉर्ट्स अगर वेयर करते हो ना तो बहुत आराम से चला जाएगा एंड बहुत प्यारा लगेगा। मुझ पर परफेक्टली मेरी ड्रेस आ रही है क्योंकि मेरी हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, मेरी हाइट 5'2" है। तो आप अपना मेजरमेंट देख लेना कि आपको कहाँ तक आएगी। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट, अगेन अ प्रिंटेड ड्रेस अफोर्डेबल में। इस तरह के ड्रेसेस दिखे तो मुझसे रोका नहीं गया क्योंकि ब्लॉक प्रिंट मुझे बहुत प्यारे लगते हैं एंड जैसा कि डिटेल में मेंशन था दैट दिस इज अ ब्लॉक प्रिंट कॉटन प्रिंटेड ड्रेस। 2 कलर्स अवेलेबल थे, 474 रुपीज इसकी भी मुझे पड़ी है। एक स्काई काइंड ऑफ कलर था, मुझे ये वाला कलर बहुत प्यारा लगा। इसमें मतलब पूरा वाइब्रेंट जो होता है ना शमरिश वाली फीलिंग आ रही थी एंड इसमें भी अगेन नीचे के साइड में कट एंड फ्लेयर है, लिटिल काइंड ऑफ यहाँ पे प्लीट्स मिल जाते हैं नीचे के में, थोड़ा घेर और होता ना तो मजा आ जाता। मतलब पिक्चर में जो मॉडल ने वेयर किया था ना उसमें घेर ज्यादा दिख रही थी, तो वही देख के मुझे लगा शायद एग्जैक्टली वैसा शायद आ जाए, पर घेर में कंजूसी कर दिए, कपड़े में कंजूसी नहीं की है। कपड़ा काफी अच्छा है, फैब्रिक बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन है। इसके एडजस्टेबल स्ट्रिंग्स मतलब स्ट्रिप्स मिल जाते हैं जो मुझसे एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे सेफ्टी पिन यूज करी है ट्राई ऑन के लिए, तो मुझे बड़े कंफर्टेबल लगते हैं ये वाले ड्रेसेस एंड ये कलर पैटर्न मुझे बहुत प्यारा लगा एंड प्राइस भी सही थी। तो हाँ, ये भी मैंने मीडियम बाय किया है और ये भी सेमी ट्रांसपेरेंट है, मतलब बहुत ज्यादा रोशनी पड़ेगी ना तब थोड़ी सी शायद शियरनेस दिखे। तो ऑफ कोर्स साइक्लिंग शॉर्ट्स इज मस्ट अगर आप पहनते हो ड्रेसेस तो। ओके, आज की सबसे सस्ती ड्रेस मैं दिखाने जा रही हूँ। सो 299 की प्राइस में मॉडल को ट्राउन करते हुए दिखाया गया था उसमें पिक्चर में, तो काफी क्यूट लग रहा था। मेरी ड्रेस थी, मॉडल शायद में भी लंबी होगी क्योंकि मुझ पे आई थिंक नी के थोड़ी नीचे आ रही है एंड प्रॉपर मैंने अभी वीडियो ट्राई ऑन वाले नी के, मगर हाँ मैंने ट्राई कर लिया था जैसे ही रिसीव हुई थी क्योंकि मुझे लग रहा था यार इतना सस्ता है कैसा निकलेगा, क्योंकि अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस काफी अच्छे निकल रहे हैं सस्ते वाले भी। तो यहाँ पे आपको बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलेगा ऊपर की साइड में एंड ये मैंने स्मॉल बाइक नहीं, ये भी मैंने मीडियम बाय करा है। प्राइसेस यहाँ पे नहीं डाले हुए हैं। ओके, मुझे क्या करना है, 299 की मुझे पड़ी है। सो यहाँ पे शॉर्ट स्लीव आएगी एंड यहाँ पे टाइप वाली पैटर्न यहाँ पे दिए हुए हैं एंड ये क्रेप की फैब्रिक है जो मैंने वेयर किया, ये भी क्रेप की फैब्रिक है और ये टाइप के बाद यहाँ पर से कट आएगा, मतलब नीचे की साइड जो फ्लेयर है ना वो ब्लैक की आएगी। ए लाइन पैटर्न है एंड यहाँ पे टाइप वाली पैटर्न भी दी हुई है, जो बैक साइड में आप टाइप कर लोगे ना तो फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छी लगी क्योंकि क्रेप वाली फैब्रिक ना फॉल बड़े अच्छे से करती है, जैसे मैंने वेयर किया हुआ ये भी बहुत अच्छे से फॉल कर रही है एंड इसमें ना, चलो इसके बारे में पहले बताते हैं। तो यहाँ पे राउंड नेक आएगा एंड यहाँ पे शॉर्ट स्लीव आएगी, बिल्कुल शॉर्ट स्लीव है, बस शोल्डर कवर हो रहा है एंड ये बहुत प्यारा लगा मुझे। ये नीचे करते,
यहाँ पे बीच में एक फैब्रिक दी गई है जो मैंने बो काइंड ऑफ यहाँ पे टाइप कर लिया है, बहुत प्यारा लग रहा है। एंड पहनने के बाद ना थोड़ा सा स्लिम मैं दिख रही हूँ, ऑफकोर्स नहीं हूँ, मेरे वेट काफी गेन हो गया है। और ये प्रॉपर मिडी ड्रेस लग रही है, नी लेंथ में आ रही है एंड बहुत ही क्यूट लग रही है। सो ट्राउन में देख सकते हो कि कैसा लग रहा है मुझ पर, अगर आपको अच्छी लग रही है तो जाके बाय कर लो यार, काफी सही प्राइस है, इसे कैसे बोल सकते हैं। सो डेनिम ड्रेस ओके मैंने ट्राई किया था, एक्चुअली ये वीडियो ना पहले मैंने शूट करी थी यही पहन करके, पर बहुत गर्मी लगने लगी क्योंकि मैंने फैन वैन ऑफ कर दिया था, तो इसी जगह में फिर मैंने चेंज कर दिया। अदरवाइज ये बहुत प्यारी है, ये ना वेरिएशन में यूज कर सकते हो, लाइक इसके अंदर आप शर्ट वगैरह डाल लो। ये डंगरी काइंड ऑफ लुक वाली ड्रेस है, मुझ पे मिडी कहीं से नहीं आ रही है, एंकल तक चली जा रही है। एंड फ्रंट में छोटा सा कट आएगा, फैब्रिक एक्चुअली मैं डेनिम है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने लास्ट ईयर शायद मीशो से मंगाया था एक डेनिम की शर्ट, एंड डेनिम वो सिर्फ कलर था, किसी भी कपड़ा डेनिम वाला था ही नहीं, बस लुक आ रहा था डेनिम वाला, तो मैंने फिर रिटर्न मार दिया था। फ्रंट में नीचे की साइड में इतना लंबा सा कट आता है, ये यहाँ से अब बकल मिलती है एंड ये ऐसे ओपन हो जाता है, एंड ये जो है ना एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, तो थोड़ा लंबा कर लोगे एंड यहाँ तक मतलब ये कवर हो जाएगा, एंड यहाँ पे कोई भी टी शर्ट डाल लो, या मैंने ये ड्रेस पहनी हुई है इसके ऊपर से मैं ये डालू, अच्छा आइडिया है, मैं ट्राई ऑन करके शेयर करूंगी। इसके साथ फैब्रिक वाली बेल्ट आई है जो लूप दी गई है कमर पे, काफी ऊपर के साइड डिपेंड करता है ना आप कितना नीचे से पहनते हो, तो यहाँ पे लूप दी गई है जहाँ पे आप फैब्रिक वाली बेल्ट डाल लो, या फिर अगर आपके पास ब्लैक बेल्ट है वो भी डाल सकते हो। एंड कपड़ा अच्छा सा है, मतलब बहुत थिक नहीं है, बहुत पतला नहीं है, जो एक्चुअली कंफर्टेबल होता है ना वो वाली थिकनेस इसके साथ मिल रही है आपको। एंड हाँ, पॉकेट को कैसे मैं भूल सकती हूँ, वन साइड यहाँ पे पॉकेट आपको आएगी, तो यार ये ड्रेस तो बाय करनी चाहिए, बहुत अच्छी लगी है मुझे। ओके मैंने मीडियम साइज बाय करा है एंड इसकी प्राइस पड़ी है 599 रुपीज, तो टोटली वर्थ इट है गाइस 599 में। एंड आपको अगर बैंक बैंक का डिस्काउंट ले लो शायद कुछ ना कुछ तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा, गो बाय दिस। ओके लास्ट जो है ना, ये जब मैंने बाय कर लिया, जब मैंने वीडियो प्लान कर लिया, जब मैं नोट डाउन कर रही थी, तब मैंने इसकी टाइटल में देखा दैट फ्लोरल प्रिंटेड टायर कुर्ता। जब मैंने बाय किया था तब मैंने एज अ ड्रेस सोच के बाय कर लिया था, मतलब मैंने पढ़ा भी नहीं। सो इस तरह की बेवकूफियां सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। बाय द वे ये कुर्ता है, आप कुर्ता के साथ मतलब एज अ कुर्ता वेयर करना चाहते हो वेयर कर सकते हो, मैंने इसे इमेजिन करके ड्रेसेस ही मंगाया है, तो मैं एज अ ड्रेसेस ही मैंने स्टाइल करे हैं। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि किसी की स्ट्रेप्स इतनी अच्छी फिटिंग में आई है। मोस्टली मुझे स्ट्रेप्स जो होते हैं ना वो कट एंड मतलब स्टिच करवाने पड़ते हैं, या मैं खुद ही जुगाड़ कर लूँ घर पे, मतलब मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता था ना कि मुझे ये मोड़ कर छोटा करना पड़ता था क्योंकि इतनी लंबी रहती थी, फिटिंग अच्छी नहीं आती थी। एंड ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसमें फिटिंग इतनी प्यारी आ रही है, इतनी कम प्राइस में इतना अच्छा फेयर मिल रहा है ना घेर, कि दिल खुश हो गया। एंड फैब्रिक इज प्योर कॉटन गाइस, प्योर कॉटन में इतना ब्यूटीफुल सा प्रिंट मिल रहा है, अनबिलीवेबल, बहुत ही प्यारा कपड़ा है। एंड इसमें भी सेम यहाँ से कट एंड प्लिट्स आएंगे नीचे के साइड में, जिससे और अच्छा सा फ्लेयर हो जाता है, तो ये ट्राई ऑन आप देख लेना, इतनी अच्छी फिटिंग आ रही है। एंड ये मैंने बाय करा है स्मॉल साइज में, आई थिंक मैंने जितने कलेक्शन आज शेयर किए हैं सारे मीडियम साइज मैंने बाय करे हैं, सिर्फ ये इकलौता है जो स्मॉल साइज है शायद। एंड इसकी सिर्फ इकलौती की प्राइस है 699 रुपीज, तो टोटली वर्थ गाइस। मैं उनमें से होना कि अगर ये पार्ट थोड़ा सा ढीला रहेगा ना मुझे अनकंफर्टेबल लगता है, इसमें हर चीज ये भी प्रॉपर, ये स्ट्रेप्स प्रॉपर, सारी फिटिंग बहुत मस्त आई है, सो ये तो हाईली रिकमेंड करूंगी। एंड ये भी गाइस एंड ये भी एंड वो भी सारे। ओके नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कॉर्ड सेट, क्योंकि कॉर्ड सेट एथनिक कॉर्ड सेट मैंने बाय करे हैं एंड कुर्ता सेट भी मैंने बाय करे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो भी अफोर्डेबल हॉल वीडियो आएगा अंडर 700 या 800। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन टेक केयर, बाय।